आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट का करो सफाया बस प्रश्न की फोटो खींचो एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ अभी डाउनलोड करें नमस्कार दोस्तों प्रश्न है कॉकरोच में रुधिर वर्णक अनुपस्थित होता है इसका अर्थ है तो दोस्तों हमें बताना है कि कॉकरोच में रुधिर वर्णक जो होता है वह अनुपस्थित होता है इसका मतलब क्या होता है तो दोस्तों पहला विकल्प है कि इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है दूसरा है गैसी विनिमय के लिए कोशिकाओं तक ट्रेकियल जाल फैला होता है तीसरा है गैस का वितरण देह भित्ति द्वारा होता है और चौथा है रुधिर ही श्वसन गैसों का वहन करता है तो दोस्तों कॉकरोच में क्या होता है रुधिर वर्णक यानी कि जिसे हमें क्या होता है स्तनधारियों में क्या होता है जो हिमो होता है यह रुधिर में पाया जाने वाला एक वर्णक होता है जो कि क्या करता है श्वसन में ऑक्सीजन का संवहन करता है परंतु जो कॉकरोच यानी तिलचट्टा होता है उसमें अनुपस्थित होता है ठीक है तो दोस्तों अगर बात करें विकल्पों की तो पहला है इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती तो दोस्तों सभी जीवधारियों को जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसलिए यह विकल्प गलत है गैसी विनिमय के लिए कोशिकाओं तक ट्रिकिल जाल फैला होता है तो दोस्तों यह कथन तो बिल्कुल सही है परंतु ट्रिकिल जाल के माध्यम से ऑक्सीजन का संवहन नहीं होता है उसके लिए रुधिर की आवश्यकता होती है इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है गैसों का वितरण देह भित्ती के द्वारा होता है तो जो देह भित्ती होती है उसके द्वारा गैसों का वितरण नहीं होता है उत्कों में उत्कों में और चौथा है रुधिर ही श्वसन गैसों का वहन करता है तो यह विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि कॉकरोच में जो रुधिर होता है वह वर्णक रहित होता है ठीक है परंतु ऑक्सीजन का संवहन वर्णक के द्वारा नहीं होता इसमें किसके द्वारा होता है रुधिर के द्वारा होता है तो दोस्तों हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा विकल्प धन्यवाद कक्षा तो से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी वो एडवांस के लेवल तक एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट ना डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर